आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टॉप साइकोलॉजी एमसीक्यूज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ वो है मेमोरी। टॉप साइकोलॉजी एमसीक्यूज की इस सीरीज़ में हम साइकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे उनको हम इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपको वो तमाम एग्ज़ाम्स या वो तमाम टेस्ट जिसमें साइकोलॉजी का पोर्शन इंक्लूड होता है उसमें हेल्पफुल होंगे। एक वीडियो में मैं एक ही एमसीक्यू को डिस्कस करूँगी। सो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है मेमोरी। तो सबसे पहले जो भी अभी लेक्चर्स आएंगे आपके पास वो जो है उसमें तमाम के तमाम मेमोरी के ही एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है मेमोरी का उसको हम स्टार्ट करते हैं। इन रिसाइटिंग द अल्फाबेट फॉर अ स्कूल प्ले, फातिमा सेज द फर्स्ट 10 लेटर्स इन परफेक्ट ऑर्डर बट देन स्लिप्स अप एंड रिसाइट्स द रिमेनिंग लेटर्स इन इनकरेक्ट ऑर्डर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए फिजिकल प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी सिलेक्टिव अटेंशन, ऑप्शन सी द रिसेंसी इफेक्ट एंड ऑप्शन डी इज द प्राइमेसी इफेक्ट। ये जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसमें जो सिचुएशन है या वो कंडीशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कंडीशन या ये सिचुएशन है क्या, फिर हम इनके ऑप्शंस को देखेंगे। तो सिचुएशन ये है कि फातिमा जो कि एक प्ले ग्रुप की स्टूडेंट है उनको एक स्कूल प्ले के लिए अल्फाबेट्स जो है वो डिसाइड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मीन्स के उनको अल्फाबेट्स जो है वो डिसाइड करने हैं स्कूल प्ले के लिए। तो वो किस तरह करेंगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम इस तरह करके अप टू जेड। तो यहाँ तक एक प्ले की फॉर्म में, एक म्यूज़िक की फॉर्म में जो है वो उन अल्फ़ाबेट्स को रिसाइट करेंगी। तो अब होता क्या है कि जो फातिमा है वो जो फर्स्ट लेटर्स हैं उस अल्फ़ाबेट्स के, तो जो फर्स्ट लेटर है वो एक परफेक्ट ऑर्डर में वो रिसाइट कर लेती हैं। फर्स्ट 10 लेटर्स रिसाइट करने के बाद क्या होता है कि उनकी जो टंग है वो स्लिप होती है, ठीक है, और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं ए बी सी डी के वो इनकरेक्ट ऑर्डर में जो है वो रिसाइट करती हैं। सो ये सिचुएशन है कि आपको एक प्ले करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, आपको एक ए बी सी डी जो है वो रिसाइट करने के लिए दी जा रही है। आप जो है वो उस लिस्ट का या उस ए बी सी के जो स्टार्टिंग के 10 लेटर्स हैं वो आपने एक परफेक्ट ऑर्डर में रिसाइट किए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि आप का जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, आपने जो रिमेनिंग लेटर्स थे उस ऑर्डर के या उस लिस्ट के वो एक इनकरेक्ट ऑर्डर में जो है आपने रिसाइट करना शुरू कर दिए। तो ये किसकी एग्जांपल आती है, तो क्या ये फिजिकल प्रोसेसिंग की एग्जांपल है? नहीं। फिजिकल प्रोसेसिंग क्या होता है? फिजिकल प्रोसेसिंग हम कहते हैं कि हमारा जो सेंस है वो किस तरह इंफॉर्मेशन को सेंस कर रहा है, मूवमेंट को कैसे सेंस करता है, मतलब कि आपका सेंसरी प्रोसेस जो है वो आ जाता है फिजिकल प्रोसेसिंग में। सेकंड ऑप्शन है सिलेक्टिव अटेंशन, तो सिलेक्टिव अटेंशन भी जो है वो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। सिलेक्टिव अटेंशन हम कहते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल जो है आपके एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, इसको कहा जाता है सिलेक्टिव अटेंशन, तो ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है रिसेंसी इफेक्ट और फोर है प्राइमेसी इफेक्ट। तो इनमें से एक ऑप्शन जो है वो राइट है और वो है प्राइमेसी इफेक्ट। अब रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है और प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है, ये जो सिचुएशन यहाँ पे आपको शो की गई है एमसीक्यू में वो शो कर रही है प्राइमेसी इफेक्ट को। प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट ये दोनों जो हैं वो मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। सीरियल पोजीशन इफेक्ट जिसको हम एंटीसिपेशन रिकॉल भी कहते हैं उनसे रिलेटेड ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, रिसेंसी इफेक्ट प्राइमेसी इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट में क्या होता है कि आपको एक लिस्ट दी जाती है याद करने के लिए और आपको याद करने के बाद वो लिस्ट जो है अब वो रिसाइट करनी होती है। तो अगर आप उस लिस्ट के स्टार्टिंग के लेटर्स करेक्ट ऑर्डर में रिसाइट करते हो और बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उसको इनकरेक्ट ऑर्डर में रिसाइट करते हो तो इसको कहा जाता है प्राइमेसी इफेक्ट। ऑन दी अदर हैंड रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल को जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं
उसको रिसाइट करने में मुश्किल हो रही होती है, उसको वो इनकरेक्ट ऑर्डर में रिसाइट करता है, जबकि जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उस लिस्ट के उसको वो करेक्ट ऑर्डर में रिसाइट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट। तो प्राइमेसी इफेक्ट जो है वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने देखा क्या हो रहा है, फातिमा जो कि एक स्टूडेंट है वो ए बी सी के जो फर्स्ट 10 लेटर्स हैं उसको परफेक्ट ऑर्डर में रिसाइट कर पा रही हैं और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उसको वो इनकरेक्ट ऑर्डर में रिसाइट कर रही हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द प्राइमेसी इफेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एमसीक्यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।